वेलकम टू माय चैनल किचन विद आविदा इदरीसी। आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ बटर चिकन। इसके लिए मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ और इसमें हम एक चम्मच नमक ऐड करेंगे, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च है पाउडर इसको ऐड करेंगे और ये चार चम्मच दही है इसको भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम एक घंटे तक रख देंगे। गैस ऑन करके इस पे पैन रख दिया और इसमें एक चम्मच बटर डाल दिया, बटर मेल्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची, इसी में डाल देंगे जावित्री का फूल, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, अदरक, ये दोनों को हम चॉप में काट लेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसी में हम ऐड करेंगे प्याज, फ्लेम को लो पे रखेंगे। इसको हम लो पे एक मिनट तक के लिए ऐसे भून लेते हैं। हमने इसको एक मिनट तक ऐसे भून लिया लो फ्लेम पे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, अब फ्लेम को मीडियम पे कर लेते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्ची तोड़ के डाल लेंगे, इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। किसी तरह गल ना जाए। फ्लेम को लो पे कर दे रहे हैं। अब इसको हम ढक के पका लेंगे एक मिनट तक। इसको हम एक मिनट पका चुके, अब इसको हम मिक्सी में एक पेस्ट बना लेंगे। इसके फ्लेम को बंद करते हैं ठंडा होके। देखिए मैंने गैस ऑन करके ये पैन में बटर डाल दिया एक चम्मच। अब इसमें हम जो मैरिनेट चिकन है इसको हम डालेंगे, पहले बटर गल जाए।
इसको हम चला लेंगे अच्छी तरह। फ्लेम को मीडियम पे कर ले रहे हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर पका लेंगे। 10 मिनट तक हमने इसको पका लिया। अब इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे जो अभी हम मिक्सी में पीसे थे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर ले रहे हैं। ये चिकन भी लगभग गल चुके हैं। अब इसी में हम डालेंगे हल्का सा नमक। नमक पहले भी डाल चुके हैं इसीलिए थोड़ा सा ग्रेवी में डाल लेंगे। और फिर इसके बाद अब डालेंगे गरम मसाला, एक चम्मच ये भी डाल देंगे। और इसी में दो अक्की मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च की जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको एक मिनट फिर से पका लेते हैं ढक के स्लो फ्लेम पे। एक मिनट तक पका लिए। अब इसमें हम फ्रेश ताजी मलाई डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम एक चम्मच शहद डालेंगे। इसकी जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं पीस के, या फिर टमाटर केचप भी ले सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई इलायची। अब इसको ढककर हम एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। देखिए अब ये हो चुका है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। मिर्च डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा बटर चिकन बनके तैयार है। आप इसको ट्राई करिए। और चलिए अब अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।